नमस्कार प्रणाम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरुषि फिल्म में। तो आज मैं एक बहुत ही सुपर हिट सैड सॉन्ग लेकर के आया हूँ, तो सुन के पता ही चल गया होगा। तो साथियों आइए, मैं आज बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि सर एक सैड सॉन्ग हो, जीता था जिसके लिए दिलवाले फिल्म का यह बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग, सभी के लबों पर यह सॉन्ग हमेशा रहता है। तो मैं सोचा कि आज आप लोग को मैं यह वीडियो पूरा सामने लाऊं। तो आइए, तो मैं पहले बजाता हूँ तो एक एक पार्ट को, और फिर एक एक उंगली से बताता हूँ ताकि पूरा समझ में आए, और हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो और आप सही से बजा सकें। तो एक बार स्वागत है फिर से हमारे सभी आरसी फिल्म के दर्शकों को, सीखने वालों के लिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों, हारमोनियम सीखने की बात जहाँ पे आती है तो लोगों का मन में एक सवाल रहता है कि कोई भी गाना खुद से कैसे बजाए। कोई भी सॉन्ग हो, हिंदी हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी, कोई भी सॉन्ग हो, हमारे दर्शक श्रोतागण जितने भी हैं सभी हर जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से हैं, तो उनके लिए मैं एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये बात मैं हमेशा करता हूँ। आप ये मिडिल ऑक्टिव के इतने बटन जो है आप अपने स्क्रीन पे रखिए। इस ऐप का अगर लिंक नहीं है तो हमारे व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे हाई लिखिए और डायरेक्ट लिखिए, लिंक लिख करके आप हमारे व्हाट्सअप पे सेंड कीजिए। मैं उसका जो लिंक है हारमोनियम ऐप का, वह मैं आपके पास भेज दूँगा। और हमारे वीडियो को देखिए, और एक एक उंगली से मैं जिस तरह से बताता हूँ उस तरह से आप ट्राई कीजिए, फिर समझ खुद ब खुद आएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बताने जा रहा था कि हारमोनियम सीखने वालों के लिए एक आसान ट्रिक यह है कि सा मिडिल ऑक्टिव के देखिए 1 2 3 4 5 काला रहता है, इसका सेट रह गए 5 काले का, उसके बाद 2 इसमें शुद्ध स्वर ये रहता है गा नी, तो कुल मिलाकर के 7 शुद्ध स्वर है और 5 कोमल है। तो साथ ही इतने पटम अपने स्क्रीन पे रखना है, और ढूंढने के लिए आपको यह स्थाई पकड़ना है। कोई भी गाना ढूंढने के लिए यह स्थाई पकड़ना है, दुनिया का कोई भी गाना हो, साथ ही स्वर से बजता है जिसमें 5 कोमल है, सब मिला के 12 स्वर है, इतने स्वर में दुनिया का कोई भी गाना हो वो बज जाता है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए साथियों, अब एक एक अंग से देखिए कैसा है। जीता था जिसके लिए, कंटिन्यू फिर से एक बार, जैसे इधर से आना है वैसे इधर से वापस जाना है, एक स्टेप कंप्लीट, फिर से देखिए एक बार। जीता था जिसके लिए, यहां के रुक जाना, उसके बाद दूसरा स्टेप है, जिसके आराम से, सारे 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 सारे, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए, सॉरी, जिसके लिए, देखिए पहले क्या सीखे हम, जीता था जिसके लिए, उसके बाद जिसके लिए लिए मरता था, मरता था, देखिए मरता था, उसके बाद है एक
एक दो बार है, एक ऐसी, देखिए आराम से देखिए, इसको दो बार प्रेस करना है सा को, एक ऐसी, एक 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 ऐसी, एक ऐसी, देखिए एक बार भी, एक ऐसी, उसके बाद बोलड़ की थी, उसके बाद बोल, देखिए आराम से देखिए, बो लड़, दो दो बार दोनों बटन में, माँ और पा, ओके। उसके बाद जिसे मैं प्यार करता था, देखिए आराम से, पापा मा पा धा, पापा मा पा धा, धा पा, आराम से देखिए, धा धा पा मा, धा धा पा मा। आइए सुनते फिर से एक बार, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी बोलने की थी जिसे मैं प्यार करता था। साथियों, मोबाइल से हारमोनियम सीखना बहुत ईजी है, आज के ज़माने में डिजिटल ज़माना है, तो आप डिजिटल तरीके से सीखिए घर बैठे हारमोनियम, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे परेशानी हो आप फ़ोन तुरंत फ़ोन लगाइए हमें, जहाँ पे आपकी रुकावट हो रही है, मैं वो सारे परेशानियाँ क्लियर, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे पास जितना जानकारी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आइए, अगर यह ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इस गाने की जो अंतरा की बात करें, वह इस प्रकार है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गाने को हम पूरा गाएं, ऐसा नहीं, आप गुनगुनाइए, अंदर की फीलिंग जो है ना, हारमोनियम सीखने के लिए अंदर की फीलिंग बहुत काम आती है। आप गुनगुनाइए बेहिचक, आप गुनगुनाइए, उसके बाद ट्राई कीजिए। जैसे पहले भाग इस तरह के था, अब दूसरा था, जैसे भी ज़्यादा चाहा था जिसको उसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, आराम से, ला 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 ला, सेम स्वर बटम जो है सेम है, यूज करने का तरीका जो बदल जाएगा। अभी देखिए कैसे अस्थाई, देखिए ये हमेशा पकड़ के रखना है इसको, देखिए मैं बजाता हूँ पहले क्लियरली इसको, देखियो थोड़ा स्पीड है, क्लियर। देखिए जैसे भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने भी धोखा दिया, हम ना, देखिए
तो साथियों, हारमोनियम में एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर स्वर यहां से अस्थाई मिल गया कि कोई ये गाना जो प्ले करने जा रहे हैं हम, यहाँ ये अस्थाई है, इसका अस्थाई जो समझ में आ जाए, तो गाने की स्टार्टिंग जहाँ से हो, जैसे मान लीजिए इसका स्टार्टिंग यहाँ से था, तो इसकी इसका इसकी जो स्वर है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्टिंग है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आती है, जैसे जीता था जिसके लिए, यहाँ से नीचे आ करके यहाँ तक नीचे आती है, फिर यहाँ से धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। देखिए तो हारमोनियम में स्वर जो है, अगर स्वर गाने की स्वर नीचे रहे तो हम इधर से इधर जाएंगे, और ऊपर रहे तो इधर से इधर जाएंगे। तो साथियों, यह हारमोनियम सीखने का सबसे अचूक ट्रिक है, आसान ट्रिक है। आप इसे इस ट्रिक को यूज करके धीरे धीरे करके जो है आप पकड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे को किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बताइए। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।